दोस्तों जब गर्मी अपनी लिमिट पार कर दे और एसी काम करना बंद कर दे तो एसी की सर्विसिंग करवाना बहुत ही जरूरी है। गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मी का सीजन है, अगर आपके घर में एसी है और आपकी वारंटी से आउट हो चुकी है और आप खुद से उसकी सर्विस करना चाहते हैं, अगर आपकी वारंटी में है तो आप जो है अपनी कंपनी के थ्रू इसको करवा सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास अच्छा प्रेशर का एक पंप होता है, उससे आपका जो ये जो इसका फ्रंट डोर होता है वो आसानी से वो क्लियर हो जाता है। अगर आप घर पे करना चाहते हैं, अगर आप किसी मिस्त्री को या किसी इंजीनियर को नहीं बुलाना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले इसका जो ये फ्रंट वाला जो फिल्टर है निकाल लीजिए, अच्छी तरीके से उसको साफ कर लीजिए। इसमें यहाँ पे लॉक्स वगैरह होते हैं, उसको आराम से आप यहाँ से खोल लीजिए और उसके बाद मैं आपको फिल्टर साफ करने का बताऊंगा कैसे आराम से आप ब्रश के साथ, आप सिंगल पर्सन आप इतने फिल्टर को इसी को साफ कर सकते हो। उसके बाद आपको अच्छी कूलिंग मिल जाएगी और गर्मी से आपको राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है अपना वोल्टास का विंडो एसी जिसको हम घर पे ही साफ करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ इसके लॉक्स बने होते हैं, जो प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं उनको आराम से केयरफुल्ली खोलना है। अगर आपके घर में वोल्टास का कोई भी एसी है, 1 टन, 1.5 टन या 2 टन, कोई भी, सबका प्रोसेस सेम होता है, साफ करने का प्रोसेस सेम होता है। बस उसको आराम से ओपन करना है, अगर आप घर पे कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो उसको आराम से ओपन करना है केयरफुली, क्योंकि प्लास्टिक के लॉक अगर टूट जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, न्यू लगवाने पड़ेंगे। और ये मैंने धीरे से इसका जो फ्रंट पैनल है वो निकाल लिया है। अब आप गंदगी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी है। अगर आप इसको पानी के प्रेशर से साफ करना चाहते हैं तो इसको सारा जो आपका एसी है वो निकालना पड़ेगा दीवार से, उसके बाद आप पानी के प्रेशर से उसको साफ कीजिए। अगर आपके पास कोई ब्रश है, टूथब्रश या कोई भी ब्रश है आपके पास, कपड़े धोने वाला जो ब्रश है, उसको आराम से आपको अप टू डाउन करना है। अगर आपकी जो स्लिट्स हैं, अगर आप उसको राइट ऐसे इस तरीके से करेंगे तो वो मुड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही नाजुक होती है। आपको उसके ऊपर से नीचे तक ऐसे साफ करना है, जितनी भी सारी मिट्टी है, जो भी इसमें पाउडर सा बना होता है, बहुत ही गंदा पाउडर होता है ये, और इससे ही जाम होता है, इससे आपका एसी कूलिंग नहीं करता। इसको आराम से केयरफुली साफ करना है, पानी से करना चाहे तो पानी से भी कर सकते हैं। अगर आपका एसी बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि ये घर पे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको पानी से साफ करना है तो पूरा एसी आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें आपको धोनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा केयरफुली आपको करना है। अगर आप इंजीनियर से करवाना चाहते हैं तो इंजीनियर से भी करा सकते हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। अब हमें तो लगता है कि हम पैदा ही इंजीनियर बनने के लिए हुए हैं, क्योंकि हमसे कोई काम छूटता ही नहीं है। अगर कोई काम रह जाता है तो YouTube किस काम आएगा? तो YouTube पे सर्च कीजिए जो भी आप करना है और आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। फोरिसी का फ्रंट पैनल मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया, उसके बाद बारी आती है इसके यहाँ पे जो फिल्टर है ये वाला साफ करने का। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो गीले कपड़े से आप इसको आराम से साफ कर लीजिए तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपका अगर एसी कूलिंग नहीं करता है तो आप देखिए इसको करने के बाद, तो आपका एसी अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, इसको आपको केयरफुली रखना है, इसको आपको टच नहीं करना है। अगर आपको करना है तो बहुत ही आराम से इसको निकालना है। एंड देन बारी आती है इसे कनेक्शन करने की, तो ये जो पैनल का एक बॉक्स होता है जिसपे आपको डिस्प्ले दिखती है, उसके पैनल का ये स्विच है, उसको आराम से यहाँ से इसको कनेक्ट कर लीजिए। एंड देन बारी आती है इसको पैक करने की। जैसे आप इसको पैक करके एक बार टेस्ट करके देखेंगे तो आपका एसी अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा। और ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हैं विदाउट सिंगल हैंड। एंड देन जब भी आप पैनल को बंद करेंगे तो आपको उन स्विच का फिर से ध्यान रखना है। तो फाइनली ये सब कुछ सेट हो चुका है। तो लो जी देखिए, हमारी एसी की सर्विस हो चुकी है और मैंने इसको अपने आप ही कर लिया, किसी इंजीनियर की कोई मदद नहीं ली। थोड़ा गर्मी में तो परेशान हुए, लेकिन हमने अच्छी तरीके से इसको हम साफ पानी से भी साफ कर सकते थे प्रेशर के पाइप से लगा के, लेकिन हमने ऐसी ब्रश की मदद से हमने इसको साफ कर लिया, क्लीन हो चुका है। अब इसको चला के देखते हैं कूलिंग कर रहा है या नहीं। देखिए स्टार्टिंग में ही इसमें से कितना एकदम से, मतलब साफ करने के बाद कितनी धूल निकली है, वो जितनी गंदगी थी वो सब बाहर आ चुकी है। अभी बहुत वैसे एकदम से ठंडी हवा आएगी और कूलिंग जो कमरा अभी कूल नहीं कर रहा था गंदगी की वजह से, वो अभी साफ हो चुका है और कूलिंग अच्छी तरीके से आएगी और रिलैक्स नींद आएगी बिल्कुल। आई थिंक इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।